वैसे तो पोएट सारों ने मोस्टली लव की बातें लिखते हैं अपने अपने अंदाज से, ठीक है ना। सारे दुनिया के पोएट का यही काम है और लिखने वाले का भी यही सब काम है, लेकिन ये दो तीन जो ऐसा है कि जो बड़ा इंटेंस इंटेंस लिखा है, जैसे जैसे वो जिसको कई बार गाया भी, बल्कि कहीं पे होगा भी रिकॉर्ड में, ये हवा ये रात ये चांदनी, इंटेंस ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल। नहीं नहीं वो भी वो प्रॉपर होगा तो इंटेंस है। लिखने वाले राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है वो, ब्यूटीफुल क्या लिखा है उसने, एक एक वर्ड जो है चूम लेने के लायक है। तो ऐसे एक दो और कुछ लोगों ने भी लिखा है जो इंटेंस है एकदम उसका। तो एक ये भी है, तो ये भी तारीफ कर रहा है अपने उसके बिलेवेट की, समझ ले, और किस तरह से तारीफ कर रहा है। वर्ड इसमें एक दो थोड़ा सा नहीं, उस पहले दो लाइन में तो कोई ऐसा हार्ड नहीं है। सितारा तो आप समझते हैं, तारे को सितारा, सजदा करने को भी समझते हैं कि झुक जाए, हाँ। तो इसमें कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है। तो कहता है, मैं तुझको अगर एक फूल कहूं, देखिए क्या वर्ड कह रहा, मैं तुझको अगर एक फूल कहूं, तेरे रुतबे की तौहीन है ये, समझा, तुम्हारे स्टेटस के ये इंसल्ट है कि मैं तुम्हें सिर्फ समझ में आ रहा है, उससे भी बढ़ के। मैं तुझको अगर एक फूल कहूं, तेरे रुतबे की तौहीन है ये, तेरा हुस्न हमेशा कायम है, दम भर के लिए रंगीन है ये। मैं तुझको अगर एक फूल कहूं, ये आँख अगर उठ जाए तो, ये आँख अगर उठ जाए तो, हर एक सितारा सजदा करे, और होंठों पे अगर आ जाए हंसी, बिजली भी तड़प कर आह भरे, बिजली भी तड़प कर आह भरे। मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, तेरे रुतबे की तौहीन है ये, ये जुल्फ अगर खुल जाए तो, रातों की जवानी शर्माए, ये हुस्न ये जुल्फ अगर खुल जाए तो, रातों की जवानी शर्माए, और रफ्तार का आलम क्या कहिए, बहता हुआ दरिया थम जाए। मैं तुझको अगर एक फूल कहूँ, देखिए क्या आप तो 65 को भी पीछे छोड़ दिया।